सीएम ज्योति मौर्य के केस में बुरी तरह फंसे मनीष दुबे। ज्योति मौर्य केस में दोषी पाए गए मनीष दुबे। अब क्या मनीष दुबे निलंबित किए जाएंगे? दरअसल एसडीएम ज्योति मौर्य से रिश्तों को लेकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच पूरी हो गई है। डीआईजी होमगार्ड प्रयागराज रेंज संतोष कुमार ने जांच रिपोर्ट होमगार्ड मुख्यालय को सौंप दी है। इस केस में मनीष दुबे दोषी पाए गए हैं, जिसके बाद उनके निलंबन की सिफारिश की गई है। एसडीएम ज्योति मौर्य केस में महोबा के होमगार्ड जिला कमांडेंट मनीष दुबे का नाम भी उछला है। ज्योति मौर्य से रिश्तों को लेकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच पूरी हो गई है, जिसमें वह दोषी पाए गए हैं। अब उनके निलंबन की सिफारिश की गई है। बता दें कि 3 सप्ताह से यह प्रकरण सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। मनीष दुबे को लेकर डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह ने अपनी जांच रिपोर्ट डीजी होमगार्ड वीके मौर्य को सौंप दी है। जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र करते हुए विभाग की छवि को धूमिल करने का दोषी पाया गया है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे के निलंबन की सिफारिश की गई है। जांच रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी, जिसके बाद मनीष दुबे पर कार्यवाही तय होगी। जानकारी के अनुसार जांच में मनीष दुबे के 3 मामलों का जिक्र किया गया है। पहला एसडीएम ज्योति मौर्य के साथ उनके संबंध और जिसकी वजह से विभाग की छवि धूमिल हुई है। दूसरा मामला अमरोहा जिले का है। बताया जा रहा है कि मनीष दुबे के खिलाफ अमरोहा में एक महिला होमगार्ड ने आरोप लगाया था कि कमांडेंट मनीष दुबे अकेले में उससे मिलने के लिए बुलाते हैं, और जब महिला होमगार्ड मिलने नहीं गई तो उसकी ड्यूटी पर रोक लगा दी गई। महिला होमगार्ड ने इस मामले की शिकायत डीजी होम से की थी। जांच रिपोर्ट में तीसरी शिकायत में मनीष दुबे की पत्नी का भी जिक्र किया गया है, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने जांच के दौरान लिखित बयान देकर आरोप लगाया है कि शादी के बाद मनीष दुबे अब उससे 80 लाख रुपए का दहेज मांग रहे हैं। बता दें कि इस मामले में जांच के दौरान पहले एसडीएम ज्योति मौर्य को तलब किया गया तो उन्होंने कोई भी बयान देने से इनकार किया, लेकिन बाद में डीआईजी होमगार्ड संतोष सिंह को लिखित बयान देते हुए कहा कि उनके पति आलोक मौर्य से उनका विवाद चल रहा है, जिसकी उन्होंने प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में एफआईआर दर्ज करा दी है। मामला कोर्ट में लंबित है, उनको जो कुछ कहना होगा वो कोर्ट में कहेंगी। लेकिन बाद में मनीष दुबे की पत्नी की तरफ से भी 2 पेज का लिखित बयान डीआईजी संतोष सिंह को दिया गया, जिसमें मनीष दुबे की पत्नी ने शादी के बाद दहेज मांगने का आरोप लगाया है। अब शासन जांच रिपोर्ट के आधार पर मनीष दुबे पर कार्यवाही तय करेगा, लेकिन माना जा रहा है कि शासन मनीष दुबे को निलंबित कर विभागीय कार्यवाही के आदेश देगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है? क्या मनीष दुबे को वाकई में निलंबित किया जाना चाहिए या फिर उनको कोई और सजा देकर छोड़ देना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।